बाके बनाऊंगा नई धुन, फिर भी ना मानेगा मारूंगा चुन चुन चुन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गौरव क्रूक्स पे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीकली PAS क्विज क्लास 12th के लिए, जो कि आज के डेट के लिए है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। लिंक के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपका ये लिंक, इसमें आपको अपना पहले डिस्ट्रिक्ट भर लेना है, उसके बाद ब्लॉक भर लेना है, फिर स्कूल नेम और स्टूडेंट ई पंजाब ID भर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो इस क्विज़ में लगभग 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस क्विज़ को। इसके बाद पहला जनरल इंग्लिश का पार्ट है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। आपके सामने एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया रहेगा, उसको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद पहला क्वेश्चन है, वी नो डैश एज फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पाईंग। फिर सेकंड क्वेश्चन है, जादव प्लांटेड ट्रीज ऑन द माजुली आइलैंड। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ हिज लाइफ डिड जादव पाईंग स्पेंड इन प्लांटिंग ट्रीज 30 ईयर्स। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द पैसेज। इसमें ये एंकम पासेस होगा, द मोलाई फॉरेस्ट नाउ एंकम पासेस, यानी कि मतलब एरिया कवर करता है वो। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ इनक्रेडिबली इज अनबिलीवेबली। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज थ्रेटन। स्केयर मतलब डराना होता है। उसके बाद चलते हैं अगले पेज की तरफ, नेक्स्ट कर लेंगे। तो दूसरे पेज पे हमें दिखाई देगा जनरल इंग्लिश का ही आगे का पार्ट, टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं इसमें। अगर आपको पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो आप उसे डाउटनेट ऐप के थ्रू इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। बस आप क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और ऐप में अपलोड करो, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। फिर वो क्वेश्चन चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, राजस्थान बोर्ड का हो, या तो क्लास 6 से 12 तक का किसी क्लास का क्वेश्चन हो, या IIT, JEE मेंस एंड एडवांस नीट का क्वेश्चन हो, आपको इजीली सॉल्यूशन डाउटनेट ऐप पे मिल जाएगा। साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है इंडिया की डेली ऑनलाइन लाइव क्लासेस इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। तो आज ही हमारे इस ऐप का हिस्सा बनिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए। फिर यहाँ पे थॉमस पेड $15 एज एन इंटरेस्ट, इसका आंसर होगा। 8th क्वेश्चन है, डैश एक्सपेरिमेंटेड विद 2 डिफरेंट कैप्टन्स फॉर द टेस्ट एंड 1 डे मैचेस, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु इज़ द राइटर ऑफ द एसे ऑन सेइंग प्लीज, इसका आंसर है AG गार्डिनर। फिर 10th क्वेश्चन है, द डॉग वॉज जंपिंग ऑन हर 3 legs। 4th क्वेश्चन है, नेम द राइटर ऑफ द चैप्टर ए चैमिलियन, एंटोन चेखोव इनका नाम होगा। फिर 12th क्वेश्चन है, द बर्ड्स, एनिमल्स एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर टेक रेस्ट एट द एंड ऑफ द डे, ये ट्रू होगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 13th क्वेश्चन है, नेम द पोएट ऑफ द पोएम द इकोइंग ग्रीन, इसका आंसर है विलियम ब्लेक। इसके बाद 14th क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स लिटरल थिंकिंग, ये एक इंटरनेट का आर्टिकल है, तो इसमें 4th वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले पेज की तरफ। तो बेसिकली इस पेज में हमें Part 3 है, ये ट्रांसलेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन 15 है, इसको ट्रांसलेट करना है, वी हैव नॉट रियलाइज्ड आवर मिस्टेक, इसका आंसर होगा। फिर 16th क्वेश्चन है, द टीचर डिड नॉट गिव द टेस्ट, ये आंसर सही है बिल्कुल, इसका 4th वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर चलेंगे नेक्स्ट पेज की तरफ। तो ये हमारा लास्ट पेज है, इसमें हमें ग्रामर देखने को मिलेगा, हाउ डैश एक्सपीरियंस हैव यू गॉट हाउ मच, इसमें हमें डिटरमाइनर यूज़ करना था, 3rd वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर चलेंगे, एट द साइट ऑफ द पुलिस द थीफ रैन अवे, इसमें हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है, द थीफ रैन अवे व्हेन ही सॉ द पुलिस। फिर 19th क्वेश्चन है, अ मैन डैश हैज़ डाइड ऑफ कॉलरा, मैनी मैन हैज़ डाइड ऑफ कॉलरा। फिर 20th क्वेश्चन है, ही लेफ्ट द टैप डैश, इसमें रनिंग आंसर होगा करेक्ट, जिसके बाद हमें सबमिट कर देना है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, 80 लाइक्स का एम रख रहे हैं इस वीडियो पे, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लगातार जो वीडियोस हैं वो यहीं पे आपको मिलती रहेंगी, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।